दिखने लगा है। वहां आतंकियों की भर्ती लगभग बंद हो चुकी है और लोकल सपोर्ट भी कम है। आतंकियों के शर्मनाश के बाद शांति का आरंभ हो चुका है। इसकी एक तस्वीर आज पूरे देश को देखनी चाहिए। दक्षिणी कश्मीर के शोपियां में एक मंदिर की यह तस्वीर है जहां 35 साल बाद पहली बार हवन और पूजा का आयोजन किया गया। तो वहीं कश्मीर में आतंकियों की दहशत की वजह से यह मंदिर 35 साल से बंद था। एक तरफ नए कश्मीर में शांति के साथ हवन हो रहा है तो दूसरी तरफ जम्मू के जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। रियासी डोडा में हमला करने वाले आतंकी किसी भी बिल में छिप जाएं, उन्हें निकालकर दहन करने की तैयारी की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। चार दिन में चार हमले, जम्मू में लगातार हो रहे आतंकी हमलों से लोगों का खून खौल उठा है। हर तरफ अब आतंक के दहन की आवाज गूंज रही है। बीते चार दिनों में जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए। सुरक्षा बल एक एक कर आतंकियों को ढूंढकर उन्हें कब्र में दफन कर रही है, लेकिन जम्मू के जंगलों में छिपे आतंकियों के मंसूबे इन्हीं हमलों तक नहीं रुके हैं। वो किसी बड़े मकसद से पाकिस्तान की तरफ से दाखिल हुए हैं। इस बीच 11 जून की रात चेकपोस्ट पर हमला करने वाले चार संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी भद्रवाह, थाथरी, गंदोह के ऊपरी इलाकों में हो सकते हैं, जिनकी तलाश में पूरे डोडा में सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। जम्मू कश्मीर में आतंक के ताबूत में आखिरी कील का पूरा प्रबंध हो चुका है और ये देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस तरह से आतंक का जहर खत्म होने लगा, इसलिए पाकिस्तान ने आतंकियों को नया टारगेट दे दिया। जैश, लश्कर और अलबद्र ने भारतीय नाम के साथ छोटे संगठन खड़े किए जो LU3 के नाम से काम कर रहे हैं। कश्मीर फ्रीडम फाइटर, कश्मीर टाइगर्स जैसे आतंकी संगठन ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग नामों से हमले कर रहे हैं, लेकिन ये जैश, लश्कर और अलबद्र की ही साजिश है। वो तो मरेंगे, उनका कोई आगे पीछे नहीं है। उनके बाल बच्चों को छोड़ के वो है भी कि नहीं हमें पता नहीं है। जलों से उठा के ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं। यहाँ के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच बीच में कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा पछताएंगे, क्योंकि उनके घर वाले, उनका स्टेक यहाँ पे, उनकी जमीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नौकरी है, उनके बगीचे हैं, तो वो इसमें देश के विरुद्ध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज्यादा नुकसान उठाए। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का फाल्कन बैन जम्मू कश्मीर को दहलाने की बहुत बड़ी साजिश है। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के 50 आतंकियों को मिलाकर एक ग्रुप तैयार किया गया है। इन्हें जंगल वॉरफेयर के लिए पूरी तरह से ट्रेन किया गया है। स्नाइपर हमला, हमले के बाद जंगल में छिपना और घात लगाकर हमला करने के लिए इन्हें ट्रेनिंग दी गई है। मौसम जब सारे पासेस की बर्फ पिघल जाती है तो ऐसे समय में इन्फिल्ट्रेशन और तमाम तरीके के जो उनके सपोर्ट है, एमिनिशन और जो एक्सप्लोसिव है, उसको आसानी से इन्फिल्ट्रेट किया जा सकता है। तो सारे पासेस खुले हुए हैं और पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग कैंप में जो आतंकवादी ट्रेन हो रहे हैं, इस समय वो मौके की तलाश में रहते हैं इन्फिल्ट्रेट करके हिंदुस्तान के इलाके में घुस के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह है JNK में एक इलेक्शन ड्यू है, उस इलेक्शन को कैसे जोपडाइज करना है, कैसे उसमें बाधा पहुंचानी, उसके लिए इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। यही नहीं, खबर ये भी है कि ये फाल्कन 50 ग्रुप अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को अपना निशाना बना सकता है। इन आतंकियों को जम्मू में रह रहे अंडरग्राउंड वर्कर मदद कर रहे हैं और उन्होंने इन्हें आसरा भी दिया है। लेकिन अब जब ISI के फाल्कन 50 ग्रुप के सारे इनपुट
सुरक्षा एजेंसियों को मिल चुके हैं, तब इनके अंत का खाका भी तैयार हो चुका है। सुरक्षा बल और सेना भी तैयार है इन आतंकियों के सीने में बारूद भरने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चौथे दिन भी जारी, और इस अभियान में कुल 312 अवैध निर्माण किराए गए हैं। वहीं बुधवार को 162 अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया, लेकिन इस पर राजनीति भी शुरू हो गई और इसे लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। AIMMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब से चुनाव खत्म हुए मुस्लिमों पर टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। लखनऊ के अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? ओवैसी के इस पोस्ट से लगता है कि उनका कहना है कि लखनऊ के अकबरपुर में मुस्लिमों के घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है। देखिए रिपोर्ट। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो क्यों भड़क गए ओवैसी? क्या लखनऊ के अकबरपुर में सिर्फ मुसलमानों के घर पर चला प्रशासन का बुलडोजर? आखिर क्या है असदुद्दीन ओवैसी का दावा और इस दावे के पीछे कितनी सच्चाई है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेकर चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ का अकबरपुर इलाका, जहां 3 दिन से प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लखनऊ के अकबरपुर में कुकरेल नदी पर अवैध कब्जे के बाद बने घरों को खाली करके तोड़ा जा रहा है, और ये सब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। यहाँ 1-2 नहीं, करीब 1100 घर और कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करके उसे समतल किया जा रहा है। ये देखकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि चुनाव खत्म होते ही मुसलमानों को टारगेट किया जाने लगा। पहले आप AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का गुस्सा देखिए, जो उन्होंने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ लिखा है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर लिखा, चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 मौलानाओं का कत्ल कर दिया गया। लखनऊ में अकबर नगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि लखनऊ के अकबरपुर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन ओवैसी के बयान का सच क्या है ये भी देखने की जरूरत है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अकबर नगर में अतिक्रमण करने वाले लोगों की लिस्ट का पोस्टर लगाया है, इसमें 1100 से ज्यादा लोगों के नाम है। हालांकि ये मुस्लिम बहुल आबादी है, लेकिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में हिंदू भी हैं, जिन्होंने कुकरेल रिवर फ्रंट पर अतिक्रमण किया है। मुसलमानों पर जुल्म की बात करते ओवैसी ये भूल गए कि जिन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं उन्हें बिना आसरे के छोड़ा नहीं जा रहा। अतिक्रमण ध्वस्त करने से पहले लोगों के लिए यहाँ विशेष कैंप लगाया गया है, जहाँ उन्हें प्रधानमंत्री आवास के नए घर भी दिए जा रहे हैं। ओवैसी नफरत की बात करते हैं, ओवैसी नफरत फैलाने की बात करते हैं, और इसी नाते इस चुनाव में ओवैसी को जनता ने खारिज किया है। रही बात अकबर नगर की, तो निश्चित रूप से वो नाले पर अवैध कब्जा करके लोगों ने घर बनाया था। सरकार ने उनको विस्थापित करने से पहले उनको मकान दिया है, उनके निवास का व्यवस्थित प्रबंध किया है, और फिर अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि चुनाव खत्म होते ही अकबरपुर में बुलडोजर क्यों चला? सवाल ये भी है कि लखनऊ जैसे शहर में इतनी बड़ी बस्ती और दुकानें कैसे बन गई, और किसी ने उन्हें रोका क्यों नहीं? इस पर BJP का आरोप है कि साल 2012 में कुकरेल नदी के दोनों तरफ अवैध बस्ती बसाने का काम शुरू हुआ, जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस वक्त भूमाफिया ने रसूख और साठगांठ से नदी के दोनों तरफ अवैध बस्ती बसा दी। बस्ती जब पूरी तरह बनी तो वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए। जांच में पता चला कि यहाँ के 73 कब्जेदार करोड़पति हैं और 300 घरों को किराए पर दिया गया है। जैसे जैसे खाली होता है वैसे हम लोग गिरा रहे हैं। पर्याप्त पुलिस बल, PAC और RAF के लोग हैं, और लॉजिस्टिक्स में भी LDA, नगर निगम पूरी तरह से कर्मचारी अधिकारी सारे लोग हैं, JCB मशीनें। जबकि सरकारी आदेश के मुताबिक
यहाँ ना तो रिहायशी निर्माण की इजाजत है और न ही व्यवसायिक निर्माण की। योगी सरकार में कुकरेल नदी के इलाके में रिवर फ्रंट का प्रपोजल पास हुआ, लेकिन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया, हंगामा भी हुआ। ये मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण वाली जगह को खाली करने का आदेश जारी किया और इसके बाद से ही यहाँ प्रशासन पूरी तैयारी के साथ पहुँचा और बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई। गांधी की दो नावों की सवारी करने वाले राहुल गांधी कंफ्यूज हो चुके हैं। राहुल गांधी दुविधा में हैं कि रायबरेली और वायनाड को लेकर के कि आखिर दोनों लोकसभा सीट में से किसका चुनाव किया जाए। दरअसल 2019 के चुनाव में भी राहुल गांधी दो सीटों पर चुनाव लड़े, जिसमें से अमेठी की सीट पर उनकी हार हो गई। तब वायनाड के रास्ते वो लोकसभा पहुंचे, लेकिन इस बार राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों जगह चुनाव जीत चुके हैं। अब उनके लिए दुविधा इस बात की है, आखिर वो गांधी परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली को चुनेंगे या फिर 2019 में जहां की जनता ने उन्हें सांसद बनाया उसका चुनाव करेंगे। राहुल गांधी के इसी कंफ्यूजन का सॉल्यूशन आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं, देखिए। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? लोकसभा चुनाव की सबसे चर्चित दो सीट जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़े और दोनों सीट पर राहुल गांधी की जबरदस्त जीत हुई। अब सबसे बड़ा सवाल है, राहुल गांधी इन दोनों सीटों में से किसे चुनते हैं? क्या राहुल गांधी रायबरेली की खातिर वायनाड से दूरी बना लेंगे या फिर वायनाड के लिए गांधी परिवार की सीट से इस्तीफा दे देंगे? फिलहाल इस सवाल का जवाब राहुल गांधी के पास भी नहीं है, क्योंकि पहले रायबरेली की जनता का आभार जताने के लिए उनका रायबरेली जाना और फिर एक दिन बाद वायनाड की जनता के सामने अपनी बात रखना, जिसमें उन्होंने कहा वो कंफ्यूज हैं। I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? I have a dilemma in front of me. The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? हालांकि सूत्रों से जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि यूपी की रायबरेली और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले राहुल गांधी अपने पास रायबरेली सीट ही रखेंगे, वो केरल की वायनाड सीट छोड़ देंगे। वहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन अब तक वो वायनाड जाने के लिए इच्छुक नहीं है। लेकिन अगर रायबरेली और वायनाड की बात करें तो दोनों सीट गांधी परिवार के लिए जरूरी है। वायनाड सीट कांग्रेस का गढ़ है। 2019 में वायनाड से जीतकर राहुल गांधी सांसद बने थे, तो रायबरेली में गांधी परिवार का दबदबा है। यहां लगातार गांधी परिवार के सदस्य की जीत होती रही है। 2024 में भी वायनाड की जनता ने राहुल का साथ दिया, तो वहीं रायबरेली में भी आखिरी वक्त में नामांकन के बावजूद जीत मिली। वायनाड में राहुल गांधी ने अपने प्रतिद्वंदी को करीब 3,64,000 वोटों से हराया, तो रायबरेली में राहुल ने अपने प्रतिद्वंदी को 3,90,000 वोटों से हराया। ये फैसला तो खुद राहुल जी को करना है, दोनों जगह से वो जीते हैं, कौन सी सीट वो रखेंगे कौन सी सीट छोड़ेंगे। लेकिन ये बात उन्होंने बिल्कुल कहा कि दोनों जगह की जनता उनको जिस तरह से उनको इतना प्यार मिला, वहाँ से समर्थन मिला, तो उनके लिए बहुत कठिन फैसला होगा कि किस क्षेत्र को हम छोड़ें। सर, लेकिन ये भी चर्चा है कि राहुल जी रायबरेली रहेंगे और प्रियंका गांधी को वायनाड से लड़ा सकते हैं। अब ये तो कहा ना कि ये तो उनको फैसला करना, यानी राहुल गांधी का साथ वायनाड की जनता ने दो दो बार दिया, बावजूद इसके वो वायनाड सीट छोड़ने की जुगत में है। ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अपने परिवार की परंपरागत सीट नहीं छोड़ना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।